पुतली के पनियाला थाना अंतर्गत केशवान औद्योगिक क्षेत्र के धानों का केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि करीब 10 दमकलों ने भी पानी की कोशिश चल रही है, जिसके साथ साथ सभी दमकलें बाहर से पानी भी फेर रही है। आग के कारण पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया। फैक्ट्री में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अभी तक किसी भी प्रकार की जान की तो कोई खबर नहीं आई है। अभी तबीयत पे जाप्ता लगाया गया है, किसी प्रकार का जान का खतरा ना हो। साथ ही अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खतरे को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाके को भी खाली करवा दिया। खबर पर अधिक जानकारी के लिए कोटपुर से राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राकेश, जानना चाहेंगे आज जो फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं? जी राकेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो हम आपको बता दें, कोटपुतली के पनियाला थाना अंतर्गत केशवान औद्योगिक क्षेत्र के धानों का केमिकल फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। धीरे धीरे आग विकराल रूप धारण कर रही है। 10 दमकलें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी आग विकराल रूप लेती जा रही है। साथ ही सभी दमकलें बार बार पानी भरकर फेरे लगा रही है ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। पुलिस प्रशासन भी वहां पर